ये महाशय किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर को दागदार करने वाला कैश व वोट कांड तो आपको याद ही होगा, और आपको याद ये भी होगा कि कैसे इस कथित पत्रकार ने इस बड़े स्कैम का स्टिंग मोटी रकम लेकर कांग्रेसियों को बेच दिया था। और दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि इस पत्रकार के कारण भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले सांसद को जेल जाना पड़ा। स्टिंग में शामिल भ्रष्टाचारियों को मिली सत्ता की मलाई। अब इस पत्रकार के एक करतूत और सामने आई। मामला वर्ष 2008 में दिल्ली के एक पौश इलाके पंचशील पार्क में हुए एक जमीन सौदे का है, जिसका पता है ये, जिसके दस्तावेजों में मालिक राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष है। सागरिका खुद भी एक बड़ी पत्रकार है, या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस की सरपरस्ती ने इनको बड़ा बना दिया है। राजदीप ने इस जमीन को लगभग 160 करोड़ रुपए में खरीद लिया। हालांकि सर्कल रेट के हिसाब से रजिस्ट्री 24 करोड़ रुपए में हुई। इतना ही नहीं, जमीन का ये टुकड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधीन आता था, और इस संरक्षित स्मारक के अंदर लगे इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि संरक्षित सीमा के 100 मीटर और इसके आगे के 200 मीटर तक के एरिया में किसी भी प्रकार का निर्माण वर्जित है। राजदीप सरदेसाई के जलवे का ये आलम था कि उनके लिए संसद में कानून लाकर बंगला बनाने के मार्ग को प्रशस्त किया गया। दिल्ली और केंद्र में बैठी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने कट्टर समर्थक पत्रकार को फायदा पहुंचाने के लिए हर नियम को तोड़ा। कांग्रेस की कृपा पाकर 160 करोड़ की जमीन खरीद कर वहां आलीशान बंगला बनवा सकता है तो उसकी कुल संपत्ति कितनी होगी और उनका निजी नेटवर्क कितना होगा? क्या स्वच्छ पत्रकारिता के दम पर यह संभव है? ऐसा कारनामा तो वाड्रा मॉडल में ही देखने को मिला था। जो बताते तो खुद को किसान थे, लेकिन खेल अरबों खरबों रुपयों का खेलते थे। अब अगर ये इतने ही दूध के धुले हैं तो देश को बताएं कि कैसे इन्होंने ये सब अर्जित किया है। We are cockroaches in the system.